वेलकम टू रेट्रो स्टडीज। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, एंशिएंट इंडिया का पहला पार्ट स्टोन एज के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और क्लासिकल एज के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए एंशिएंट इंडिया के दूसरे पार्ट ब्रॉन्ज एज पर चलते हैं। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 3300 BC टू 1500 BC। ब्रॉन्ज एज 3300 BC से लेकर 1500 BC तक फैला हुआ है। एंशिएंट इंडियन सोसाइटीज डेवलप्ड एडवांस्ड मेटलर्जी विच प्रोड्यूस्ड द मटेरियल ब्रॉन्ज बाय मेल्टिंग कॉपर एंड अदर मेटल्स। उस समय की जो सोसाइटीज थी वो मेटलर्जी को काफ़ी एडवांस्ड कर चुकी थी और कॉपर और अन्य मेटल्स को मिलाकर पिघलाकर एक नया मटेरियल बना जिसका नाम पड़ा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज वॉज यूजफुल फॉर मेकिंग आर्मर, स्वॉर्ड्स एंड टूल्स। मतलब उस समय ज़्यादातर चीज़ें इसी से बनाई जा रही थी, इक्विपमेंट्स और टूल्स, आर्मर मतलब कि कवच, सब इसी से बनाए जा रहे थे। द फेमस सिविलाइजेशन विच इज इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज इन द ब्रॉन्ज एज। आपने नाम सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसे हरप्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो हमारे इंडिया का एक बहुत फेमस सिविलाइजेशन था जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, वो इसी एज में आता है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस चैल्कोलिथिक और कॉपर एज कम्स बिटवीन नियोलिथिक स्टोन एज एंड ब्रॉन्ज एज, बट मेनली वी स्टडी कॉपर एज इन ब्रॉन्ज एज एक्सटेंशन। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो कॉपर एज था वो स्टोन एज के लास्ट मतलब कि नियोलिथिक स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज के बीच में पड़ता है, लेकिन हम इसे मेनली ब्रॉन्ज एज में ही पढ़ते हैं। अब आता है एंशिएंट इंडिया का तीसरा पार्ट जो है आयरन एज। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 1500 BC टू 200 BC। आयरन एज 1500 BC से लेकर 200 BC तक फैला हुआ है। आयरन एज इज मेनली ऑक्यूपाइड बाय वैदिक पीरियड इन विच वेदास एंड उपनिषद्स वर क्रिएटेड। वैदिक पीरियड आयरन एज में आता है जिसमें वेद और उपनिषद बनाए गए थे। बिफोर द एंड ऑफ आयरन एज मौर्यंस, नंस एंड महाजनपल्स हैड देयर एम्पायर इन इंडिया। आयरन एज के खत्म होने से पहले मौर्या, नंस और महाजनपद भारत में अपना राज कर चुके थे। इन आयरन एज आयरन वॉज नोन एज श्याम आयस अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर आयरन एज में आता है तो वैदिक कल्चर के अनुसार आयरन को श्याम अयस कहा जाता था। और हमने सुना है अशोका द ग्रेट के बारे में, और अशोका द ग्रेट जो एक मौर्यन शासक थे वो इसी एज के अंतर्गत आते हैं। अब आता है एंशिएंट इंडिया का चौथा और आखिरी पार्ट जो है क्लासिकल एज। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 200 BC टू 600 AD। क्लासिकल एज 200 BC से लेकर 600 AD तक फैला हुआ है। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड देन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लासिकल एज एंशिएंट इंडिया का लास्ट पार्ट है, इसके बाद मेडिवल इंडियन हिस्ट्री चालू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन हिस्टोरियन रोमिला थापर, द गुप्ता पीरियड एंड द गोल्डन पीरियड कम्स अंडर द क्लासिकल एज फ्रॉम 4th to 6th century AD। एक हमारी भारतीय हिस्टोरियन रोमिला थापर के अनुसार गुप्ता पीरियड और गोल्डन पीरियड दोनों क्लासिकल एज के अंतर्गत आते हैं, जो 4th to 6th century AD के बीच में पड़ता है। क्लासिकल एज इज द पीरियड व्हेन इंडियन सोसाइटी ग्रीव एंड डेवलप्ड सेटिंग ऑफ फाउंडेशन इन आर्ट्स, साइंस, फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स दैट डिफाइन इंडियन कल्चर टू दिस डे। क्लासिकल एज में इंडियन सोसाइटी ने आर्ट्स, साइंस, फिलोसफी और इकोनॉमिक्स का एक मजबूत नींव रखा जो हमारे इंडियन कल्चर को आज भी डिफाइन करता है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए हमने आपके लिए एक स्लाइड लगा दिया है जो है टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और आज हम लोगों ने पढ़ा ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और क्लासिकल एज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल डिटेल में कि कौन कब से कब तक चला और कौन कौन सी डायनेस्टीज इसमें चली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेट्रो स्टडीज़।